हेलो साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज सर्कल पर। दोस्तों, आज यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है आप सभी के लिए, इसलिए इस वीडियो को ज़रा सा भी बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि यह वीडियो अगर आपने थोड़ा सा भी स्किप किया, अगर कुछ छूट गया तो आप इस भर्ती से बाहर हो सकते हैं, इसलिए ज़रा सा भी रिस्क मत लीजिएगा, ठीक है। तो ज़्यादा समय न वेस्ट करते हुए हम वीडियो पर डायरेक्ट आते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं कि यदि आपने अभी तक अपने ही यूट्यूब चैनल नॉलेज सर्कल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही रोज़ाना अपडेट्स आपके पास लाते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेडिकल के लिए सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं। जी, आपको कुछ खास डॉक्यूमेंट्स नहीं लेकर जाना है, आपको डायरेक्ट एक रजिस्ट्रेशन संख्या लेकर जानी होगी जो आपके पास ऑलरेडी रहेगी, और आपका अपना आधार कार्ड लेकर जाना है, ठीक है, जिससे आपकी एंट्री होगी। आप जैसे ही वहाँ पर जाएंगे, आपको अपने एक चेस्ट नंबर दे दिया जाएगा, यानी कि आप उसको कोड भी बोल सकते हैं। आपका चेस्ट नंबर क्या रहेगा वो आकर आपको कमांड से बोलेंगे। यदि जैसे ही आपका नाम, जैसे मेरा अपना नाम अंशुल कुमार है, सनाफ अजय कुमार, ऐसे करके वो आपको बोलेंगे कि अंशुल कुमार सनाफ अजय कुमार, आपका चेस्ट नंबर है 176, यानी कि 176, ठीक है। आपको इस टाइप के कोड मिल जाएंगे और उनसे बोल दिया जाएगा, जैसे ही आप इंतज़ार करिए, आपका जैसे ही नंबर आएगा तो आपको बुला लिया जाएगा, ठीक है। आपको 10 10 10 इकट्ठे बुला सकते हैं, 5 इकट्ठे बुला सकते हैं, या 15 भी, ऐसे करके आपको बुलाया जाएगा, ठीक है। जैसे बोल दिया 1 से 10 चेस्ट नंबर वाले कैंडिडेट अंदर आ जाइए, ठीक है। तो आपके जो भी मेल है कैंडिडेट, उनके सारे कपड़े उतरवा दिए जाएंगे, केवल अंडरवेयर रहेगी, ठीक है। और इससे मेडिकल वो अपना आसान बनाने के लिए, क्योंकि आपका चेस्ट होता है, ठीक है, आपकी नौकनी वगैरह सब देखी जाती है। तो आज हम इस वीडियो में एक एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे कि यानी कौन कौन से पार्ट आपके वहाँ पर चेक होंगे, मेल एंड फीमेल दोनों के लिए मैं बात करता हूँ। तो चलिए, आप सबसे पहले अंदर जाएंगे तो वहाँ सबसे पहले आपकी हाइट देखी जाएगी, ठीक है। सबसे पहले आपकी हाइट देखी जाएगी, आपकी हाइट 168 से अगर कम है तो आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, लेकिन अगर आपकी हाइट फिट है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका चेस्ट भी वहाँ देखा जाएगा, आपका वेट भी देखा जाएगा। वेट के लिए आप इसलिए वहाँ वेट देखा जाए क्योंकि एक BMI करके बॉडी मास इंडेक्स के हिसाब से यदि आप कम ज़्यादा हैं तो आपको वहाँ से भी बाहर किया जा सकता है कि आपका बॉडी के हिसाब से आपका वेट कम है या ज़्यादा है। यदि आप BMI नहीं जानते हैं कि बॉडी मास इंडेक्स कैसे निकाला जाता है, तो मैंने इसके ऊपर वीडियो एक बना रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वह ऊपर आई बटन पे हमारा BMI का वीडियो आएगा, वो मैंने हालांकि CISF के लिए बनाया था, लेकिन वो वीडियो आपका यूपी पुलिस में भी काम कर जाएगा, क्योंकि BMI सेम ही होता है। तो चलिए वापस बात पे आते हैं। तो उसमें हाइट, वेट एंड चेस्ट आपका देखा जाएगा। लड़कियों के लिए केवल हाइट वेट देखा जाएगा, ठीक है। तो अब उसके बाद आपके लिए आते हैं तो उसमें कान पे आते हैं। कान आपके किस प्रकार चेक होंगे, आपको कान के पास एक सबसे पहले वो कान आपका देखेंगे कि कान आपका ज़्यादा ऑपरेशन तो नहीं हुआ है, या ऑपरेशन हुआ तो कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। मतलब तो मैं जिसका भी कान थोड़ा अगर जाए मेडिकल के लिए तो वो अपना घर से साफ करके जाए, उसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल आराम से सीख से आप साफ कर सकते हैं अपने कान, ठीक है। तो वो एक वाइब्रेशन मशीन लगाएंगे आपके कान के पास, वो आपसे पूछेंगे किस कान से आवाज़ आ रही है। बिल्कुल सिंपल सा टेस्ट रहता है, बिल्कुल सिंपल सा, ठीक है। आपको ओवर एक्साइटमेंट में कुछ गलत नहीं बताना है, नॉर्मल आपको बिहेव करना, जिस तरफ से आपको आवाज़ आ रही हो बस वही बताना कि सर इधर से आवाज़ आ रही है, ठीक है। अब आते हैं आँख पे, जो कि काफ़ी बच्चों का एक क्राइटेरिया रहता है कि सर मेरी आई है 1/2 1/4 है, जो भी है, लगभग वो आपको 20-25 फीट के सामने एक बोर्ड या चार्ट टांग देते हैं, उस पर बोलते हैं कि अब ये पढ़ के आप हमें बताइए। तो जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कुछ इस टाइप का वो चार्ट दिखाएंगे, ठीक है। तो आपको बस वो पढ़ के सुनाना है, 1 2 3 4 भी लिखा हो सकता है, ABCD लिखी हो सकती है, हिंदी में आबा साथ जो कुछ भी, वो कुछ भी लिखा हो सकता है, आपको बस पढ़ के सुनाना है पूरा, 6 से 7 8 जो भी लाइन होती हो, लेकिन जो सबसे नीचे वाली लाइन होती है अगर वो आप नहीं भी पढ़ पा रहे हैं तो उससे आपको समस्या आने वाली नहीं है, ठीक है। जो सबसे नीचे की लाइन होती हैं वो एयरफोर्स वगैरह, उसमें भी ये सबसे नीचे वाली लाइन का कोई वो 0.25 माइनस का आता है दूर की के लिए,
ठीक है। और फिर आँख की अगर बात कर रहे हैं तो कलर विज़न की बात करना तो हमारा बनता ही है कि कलर विज़न में आपको क्या क्या समस्या आ सकती है। कलर विज़न के लिए काफ़ी बच्चे डर रहे थे, तो मैं उन बच्चों से कहना चाहूँगा जो भी आपको डिस्प्ले पे मेरी इस स्क्रीन के सामने आपको ये 6 नंबर दिख रहे हैं, यदि आप ये 6 नंबर पूरे अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती से बाहर होने से अरे सॉरी सेलेक्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो चलिए मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, ये 4-4 नंबर को देखते हैं। ठीक है, आप जूम आउट में या आप थोड़ी वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिए, ठीक 180 या 720p कर लीजिए, ठीक है, तो आपको ये नंबर बेहतर तरीके से दिख सकेंगे। तो चलिए आप एक एक करके नंबर पढ़िए, मैं आपको चलिए सबसे पहले आप इस वाले आइकन को पढ़िए, एक एक करके सारे आइकन पढ़िए, मैं एक एक करके सभी का आंसर दूंगा। मैं वेट कर रहा हूं, आप अच्छे से देख लीजिए, पढ़ लीजिए। इसके लिए मैं बाद में छोटी सी ट्रिक भी बताऊंगा यदि आपको पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, क्योंकि यह जो 6 आइकन मैंने लिए हैं ये 6 के 6 यूपी पुलिस से संबंधित ही हैं, इससे टफ आपका वहाँ देखने को नहीं मिलेगा। चलिए मैं अब आपको आंसर बता देता हूँ। पहले वाले कॉलम में है 7, बीच वाले फर्स्ट रो की बीच वाले कॉलम में है 13, लास्ट कॉलम में 16 और नीचे वाली रो की फर्स्ट कॉलम में 8 है, बीच में 12 है और लास्ट में 9 है। तो ये विशेषकर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आ ही गए होंगे, यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं एक छोटी सी ट्रिक है, आप अप्लाई करिएगा, आपको बहुत बेहतर जानकारी मिलेगी। वो ट्रिक है, ध्यान से सुनिए, वो ट्रिक आप अप्लाई कर सकते हैं, आप आँख को थोड़ा सा ब्लर कीजिए, मीन्स ब्लर करने का है आप उंगलियाँ हैं जो हैं आपकी लगभग 1 फीट के करीब लाइए, जो ब्लर हो जाता है ना, आप उस तरीके का आँख को ब्लर करेंगे तो आपको ये सारे नंबर क्लियर तरीके से आपको दिख जाएंगे। ठीक है, उम्मीद है आप सब बहुत अच्छी तरीके से ये चीज़ समझ सके होंगे। अब बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, यह हमारा टेस्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस टेस्ट को बोलते हैं हम फीट टेस्ट। तो आप यहाँ से अगर अपना पैर का जो भी हम पंजा है उसको आप घर पे भी चेक कर सकते हैं, जो हमारी पहली इमेज है ये हमारा नॉर्मल है। आप अगर अपने कोई सूखी जगह पे अपना गीला करके पैर रखेंगे, अगर आपका इस तरीके से पैर वहाँ पे इसका प्रिंट आता है तो आपका पैर नॉर्मल है, मैक्सिमम कैंडिडेट का नॉर्मल ही होता है, लेकिन किसी के का हाई आर्क बनता है, यानी कि वो ऊपर की उंगलियों का पोर्शन अलग होता है और एडी का पोर्शन अलग होता है, तो उनके लिए थोड़ा दिक्कत है, वो वहाँ पे उनको बाहर कर सकते हैं। तो इस चीज़ को तो आप घर पे भी सुधार सकते हैं। और जो फ्लैट फुट होता है, यानी कि पूरा ऊपर से पीछे तक बराबर होता है, ये भी बहुत ही कम कैंडिडेट को देखने को मिलता है, लेकिन मिल जाता है कभी कभी। इसके लिए भी उपाय है, अभी आपके पास हैं 2 से 3 महीने, तो आप इन दोनों पैरों का इलाज अच्छे से करा सकते हैं, इनके लिए एक कैप आती है इनको सुधारने के लिए। ठीक है, अब चलते हैं अगले टेस्ट के ऊपर, वो हमारा टेस्ट है नॉक नी टेस्ट। नॉक नी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेस्ट है, ये काफ़ी बच्चों में देखा जाता है कि ये हमारी नॉक नी है, जो इसमें हमारा नॉर्मल फीट है, पैर है, वो हमारा बीच वाला जो आप देख रहे हैं ये हमारा नॉर्मल फुट है। ठीक है, जो भी नॉर्मल पैर है ये नॉक नी नहीं है, नॉक नी बोलते हैं जो हमारा फर्स्ट है। ठीक है, जो फर्स्ट पैर आप देख रहे हैं, आप अगर जिसके भी पैर इस तरीके से हों और घुटने जो हैं वो टच हो रहे हों, उसे बोलते हैं हम नॉक नी। ठीक है, ये जो थर्ड फोटो आप देख रहे हैं वो है बो लेग्स, ऐसे भी लेग नहीं अलाउ हैं, बीच वाला पोर्शन है वो अलाउ है और दोनों पोर्शन में आपको बाहर किया जा सकता है। ठीक है, उम्मीद है आप सब ये टेस्ट बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। और आपसे मैं बताना चाहूँगा, किसी भी प्रकार का वहाँ पे आपको टैटू वाला कोई भी कैंडिडेट बाहर नहीं किया जाएगा, जिसके भी कैंडिडेट के टैटू है तो वो वहाँ पे बाहर नहीं किया जाएगा, और जिस भी कैंडिडेट के नाक में कोई प्रॉब्लम है, DNS वगैरह है, तो वो भी वहाँ पे नहीं देखते हैं। DNS आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप DNS लेकर जाइए, अगर आपको ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो अपना ऑपरेशन करा सकते हैं अपनी सेफ्टी के लिए, लेकिन यूपी पुलिस में आपको बाहर नहीं किया जाएगा, ना ही आपकी नाक चेक की जाएगी और ना ही आपके जो टैटूज़ वगैरह हैं उससे कोई प्रॉब्लम होगी। और रही बात जो भी मेल फीमेल, ये सारे टेस्ट मेल एंड फीमेल दोनों के लिए थे, प्राइवेट पार्ट
किसी का भी नहीं चेक होता है, ना ही मेल का ना ही फीमेल का। मतलब आपके जो भी प्राइवेट अंग हैं वो भी उनको कुछ भी नहीं किया जाता, ना ही चेक होते, कुछ भी नहीं होता। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि जो भी कैंडिडेट पास हो जाते हैं या फेल हो जाते हैं तो उनके साथ वहाँ क्या किया जाता है। जो भी कैंडिडेट पास हो जाएंगे लास्ट, जिससे 100 लोगों का आज मेडिकल होना है, तो 100 के जिसका भी हो गया होगा, जो मतलब कैंडिडेट पास है, तो उसको सभी को बुलाते हैं। वो लगभग पूरे 100 कैंडिडेट जो भी है पास वाले, उन सभी को बुला लेंगे एक कमरे के अंदर, और जो फेल होंगे उनका चेस्ट नंबर जो मैंने बताया था आपको, कोड वहाँ देंगे, अंशुल कुमार सनाफ अजय कुमार 176 करके जो भी आपका कोड होगा वो कोड बता देंगे। कि जो भी, वैसे कोई बाहर होता नहीं है, लेकिन एक दो कैंडिडेट हमारे नौकनी वगैरह में बाहर हो जाते हैं, तो उनसे वो रीमेडिकल देंगे कि आपको एक डेट दे देंगे कि आपको इस डेट में इस जगह जाके आपको इस चीज़ अगर सुधार पाते हैं तो सुधार लीजिए, नहीं तो आपको फिर मेडिकल से बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, आप रीमेडिकल के लिए वहीं वो बता दिया जाता है आपको, और जिसका भी नहीं होता है वो नाम अनाउंस किए जाते हैं, और जिसका हो जाता है उसकी ज्वाइनिंग आ जाती है। तो चलिए, उम्मीद है आप सभी का मेडिकल में हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप ये जो भी मैंने इस वीडियो में चर्चा की है, जिस भी टॉपिक पे, यदि आपको ये सब टॉपिक आपके बहुत अच्छे से क्लियर हैं, तो आपको मेडिकल में पास होने से कोई भी नहीं रोक। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया करके लाइक ज़रूर करें, क्योंकि हमें मोटिवेशन मिलती है और हम आपके लिए बहुत ही अच्छी वीडियो बनाने का प्रयास करते हैं। और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करिएगा, जिससे भी कोई आपका फ्रेंड बाहर ना हो सके, उसके पास अगर छोटी छोटी समस्या है तो वो यहाँ से अपना समस्या जान सकता है। जैसे कलर विज़न अपना यहीं से जान जाएगा, ईयर टेस्ट, एल्बो, ये सारी समस्याएं वो यहीं से जान सकता है। ठीक है, तो इसलिए फ्रेंड को शेयर करें, वो हमारे चैनल नॉलेज सर्कल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।